गिफ्ट भी कुल आएगा। मिलाकर ये आप बड़ा पति का प्यार ही माना जाता है कि बहुत ज्यादा जो पुरुष होते हैं, जो पति होते हैं, वो एक्सप्रेसिव नहीं होते, खुल के बोल नहीं पाते, लेकिन प्यार जरूर करते हैं। निधि, शॉर्ट में जल्दी से बता दीजिएगा, कुछ जगहों पे तो चांद निकल गया है और कुछ जगहों पे थोड़ा सा इंतजार हो रहा है, लेकिन कुछ बड़ी प्यारी स्टोरीज जो आप भी सुन रही होंगी, ऐसा नहीं है कि पति प्यार नहीं करते, वो थोड़ा एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो इतना तो मुझे लगता है कि जो पत्नियां हैं उन्हें थोड़ा दया भाव रख लेना चाहिए कि आप ही एक्सप्रेस कर दिया करो, डिमांड्स कर लिया करो 364 डेज भी। राइट राइट राइट। नीना जी, मैं एक ही चीज कहना चाह रही हूँ कि सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि ये जो छल्ली में हम चांद जो देखते हैं उसका क्या रीजन है। तो देखिए, इसके पीछे बहुत सारी अलग अलग मान्यताएं हैं, पर मैं ही मानती हूँ कि चौक के चांद को जैसे एकदम डायरेक्ट नहीं देखा जाता है, और भगवान शिव ने बोला था एक बार कि चंद्रमा के अंदर जो दाग है, उस दाग का जैसे जैसे वो चंद्रमा का आकार बढ़ता है या चौथ तीज आती है, फिर चतुर्थी आती है, तो चतुर्थी के ऊपर वो दाग एकदम ना दिखे, उसका दोष ना लगे, इसीलिए छलनी में उस चांद को देखा जाता है। दूसरा, हमारे पति को वापस हम छलनी में इसीलिए देखते हैं क्योंकि छलनी में जितने छेद होते हैं उतनी हमारे पति की उम्र लंबी होती है, ऐसी मान्यता है, इसीलिए हम छलनी में हमारे पति का मुख चांद के बाद में देखते हैं। अब आपने जो बात कही कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पति एक्सप्रेस नहीं कर पाते, देखिए ये त्योहार हम ये सोचे कि इसको हम गिफ्ट से जोड़े, ये गलत बात है। लेडीज को कई बार ऐसा हो जाता है कि यार उसको गिफ्ट मिला, मेरे को क्यों नहीं मिला। आप ये सोचिए कि आप दोनों के बीच में माधुर्य कितना बड़ा, प्रेम कितना बड़ा। इस त्योहार का मतलब ही यही है कि हम हमारी संस्कृति से जुड़ते हैं, हम हमारे एक दूसरे के संबंधों को और ज्यादा नजदीक लेकर आते हैं। ये एक्सप्रेशन का त्योहार है। भारत में हमारी संस्कृति में कितनी वर्सेटैलिटी है कि हर त्योहार का एक अपना महत्व है, और उस त्योहार से हम हमारे रिश्तों को और अधिक मजबूत कर लेते हैं। जैसे रक्षाबंधन का पर्व होता है वो भाई बहनों का होता है, वही ये करवा चौथ का जो पर्व होता है ये पति पत्नी के बीच के माधुर्य को बढ़ाने का होता है। वही माता पिता के लिए भी हम समर्पण भाव दिखाते हैं, और हमारे हर रिश्ते के लिए हम त्योहारों से उन रिश्तों को और ज्यादा मजबूती देते हैं। तो आप ये मत समझिए कि आपको क्या गिफ्ट मिला या नहीं मिला। आज मैं भी निर्जल व्रत रख के, करवा चौथ का व्रत करके और आपके सामने उपस्थित हूँ, और यहाँ पर भी अभी तक चांद नहीं दिखा है बादलों की वजह से, इसीलिए मैं भी चांद का ही वेट कर रही हूँ। पर मैं ये मानती हूँ कि हम जब भाव से कोई भी काम करते हैं, चाहे हमारे पति की लंबी उम्र की कामना के लिए हम वो भाव रख रहे हैं और हम कर रहे हैं, तब हमें बिना कुछ सोचे समझे निश्चल भाव से इस व्रत को कर लेना चाहिए। और आज देखिए, मैं आपके साथ में हूं, मुझे, मैं सच बताती हूं कि निर्जल व्रत के बाद में भी मुझे किसी भी प्रकार की नींद नहीं लग रही है, क्योंकि ये शक्ति है इस व्रत की, ये शक्ति है भगवान भोले शंकर और माता पार्वती की, जो हमें वो प्रदान करती है सुहागिन स्त्रियों को कि वो इस दिन निर्जल व्रत रख के भी बहुत खुशी खुशी से इस व्रत को और पर्व को मनाती है। और इसी की वैल्यू हमारे पतिदेव करते हैं, वो हमारे साथ हैं, हमारी वैल्यू कर रहे हैं हमारे लिए। वो व्रत के दिन किसी भी प्रकार से वो एफर्ट डालते हैं कि तूने खाना नहीं खाया, तू भूखी है, वो अपने भाव ऐसे ही प्रकट करते हैं। और कई बार लोग बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं, गिफ्ट भी देते हैं, लेते हैं, परंतु गिफ्ट लेने देने से बड़ा है प्रेम का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता, जैसे भगवान शिव और माता पार्वती का। ठीक कहा आपने। हाँ, वही वो सन्यासी होते हुए योग निंद्रा में रहते थे, पर वो माता पार्वती के साथ में उतना ही अटैच थे। जब माता पार्वती भोले शंकर को दिल से याद करती थी वो प्रकट हो जाते थे, चाहे वो कितनी भी योग निंद्रा में हो। तो बस वही रिश्ता, वही भाव, वही विश्वास। ठीक, बिल्कुल, आपने बड़ी प्यारी बात कही और सही बात है। तोहफों से इसका बहुत ज्यादा रिश्ता नहीं है।